धनबाद जिले के पारा शिक्षकों का एक बैठक धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में संपन्न हुआ। आपको बता दें जिसमें पारा शिक्षकों ने हेमंत सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। साथ ही झारखंड सरकार से मांग किया गया है कि बिहार के तर्ज पर आकलन आधारित परीक्षा लेकर नियमावली के तहत पर शिक्षकों के स्थायीकरण की मांग पूरी करे। सूबे के 55,000 पारा शिक्षकों को स्थायी किया जाए। इसी संबंध में पारा शिक्षकों का दल बैठक कर अपनी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की रणनीति बनाई है। इसके साथ ही पारा शिक्षकों ने बताया कि मांग तो हमारी बहुत पुरानी है, आज 17 साल संघर्ष कर रहे हैं। जिस अपनी मांग को लेकर हमने सरकार बदली थी, सरकार के मुखिया ने वादा किया था कि हम लोग सरकार बनते ही हम आपका काम करेंगे, लेकिन सरकार के कुछ अधिकारी जो है लगातार पारा शिक्षकों को बरगला रहे हैं और टेट के नाम पर नियमावली बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम टेट पास नियमावली को नकारते हैं। सरकार जो पिछले 2 साल से जिस पर लगी हुई थी कि ये आकलन आधारित नियमावली पारा शिक्षकों के लिए बनेगी, वो आकलन आधारित नियमावली पारा शिक्षकों को दे, अन्यथा सरकार का विरोध हम लोग करेंगे। लेकिन जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो वादा किया था, जिस वादे पर हम लोग आज खड़े हैं, आज भी खड़े हैं और वो भी खड़े हैं, हमको आशा है, पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी हम पर अपना आशीर्वाद देंगे और हम लोग को आकलन आधारित नियमावली पारा शिक्षकों को देंगे। हम लोग सबका एक मांग है, बिहार के तर्ज पर राज्य के 55,000 प्रशिक्षित पारा शिक्षकों का आकलन आधारित परीक्षा होना चाहिए, जिसका हम लोग पूर्व की सरकार रघुवर दास के समय से ही मांग किए थे। तो उस समय हम लोग का नियमावली आधा अधूरा था, जिसको हेमंत सोरेन ने हर विधानसभा में घूम घूम कर उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनते ही हम आपको आकलन परीक्षा आधारित 100 नंबर का परीक्षा लेके बिहार के तर्ज पर हम लोग आप लोग को स्थायीकरण करेंगे। लेकिन तब तक हम लोग शिक्षा मंत्री जी पॉजिटिव भी थे।